अरे हर्षित, अरे रनिंग को चलना, क्या पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है यार। मैं अभी इंडियाज बेस्ट डांसर देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तू भी ना यार, छोड़। हर्षित ये देख मुझे क्या मिला। शेखर, अरे ये कहाँ से लाए? ये 30 मिनट्स रनिंग करके डेली एक ऐप ने दिया। मुझे भी चाहिए। तो चल जॉगिंग करने। चलो चलते। चल। हाय शार्क्स, मेरा नाम सनमती है। मेरा नाम हर्षित है। ये मेरा भांजा है। ये मेरे मामा है। सो शार्क्स, जैसे आपने देखा ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता। इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रो फिटर रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है और आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं, जिसमें मात्र 240 रुपए महीने में आपको मिलेगा 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और इसके लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हमारे ऐप पे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और आप हमारा हेल्थ क्विज भी ले सकते हैं। शार्क्स, अब तक हमारे 3,50,000 से अधिक ऐप डाउनलोड हुए, हम हर महीने 20% ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 15,000 पेड सब्सक्राइबर भी हैं। अगर हम एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये 3,00,000 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है शार्क्स, और हमारा टारगेट मार्केट है 75 करोड़ भारतीय 18 से 60 वर्ष के बीच में। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं, हम 50,00,000 रुपया रेस कर रहे हैं हमारी कंपनी ग्रो फिटर में 1% इक्विटी। लेकिन शार्क, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा, हम आपके साथ एक छोटा हेल्थ क्विज खेलने वाले हैं, और जो भी शार्क जीतेगा उसे मिलेगा ये हमारा प्रीमियम बम्पर प्राइस ग्रो फिटर माउंटेन बाइक। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न ये रहा, कौन से फूड में विटामिन डी नहीं है? ये रहे आपके ऑप्शंस, मशरूम, टोफू, कैवियर, केल। अनुपम, अनुपम वो लगता है कि टोफू में नहीं है। आपने दूसरा क्या था? केल, फोर्थ, केले में। अमन, अमन डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। कैवियर, कैवियर, केल सही आवाज है। अमन बट ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसे केला बोला तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। पहला पॉइंट अमन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा वेजिटेबल कैल्शियम रिच है? आपके ऑप्शन है ब्रोकली, कैरेट्स, अनियन, टोमेटो। ओके, पहले अमन ने हाथ ऊपर किया। कैरेट, कैरेट, ब्रोकली, ब्रोकली। ठीक है अश्नीर, ब्रोकली इज द राइट आंसर, आपको मिलता है 1 पॉइंट। विच ऑफ दीज इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज? कम ऑन अमन, स्क्वाट्स, बाइसेप कर्ल, लेग एक्सटेंशन, काफ रेज। आप स्क्वाट, 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 स्क्वाट। ठीक है, अनुपम ने पहला जवाब दिया। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ बी, 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 प्रोटीन, प्रोटीन। अनुपम आप राइट है। तो अब हम डिक्लेयर करने वाले विनर, अनुपम इज द विनर। कम ऑन अनुपम, अनुपम प्लीज प्लीज। और ये है हमारा प्राइस। अनुपम आप प्राउडली ये बाइक जीतते हैं। आज पहली बार किसी ने हमें चेक दिया है। ये सब पार्टिसिपेशंस के लिए। सन्मिति, हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक फर्स्ट। थैंक यू। ठीक है, जिससे पहले हम प्रोडक्ट पे जाएं, आपके बिजनेस मॉडल में जाएं, पहले हम समझना चाहते हैं कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। मैं मेरी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं स्कूल में बहुत पतला था और मेरे को बहुत बुली करते थे। आपको देख के वो याद आ रहा है, मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से, बहुत ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट करना है। एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने भी फुल टाइम MBA किया है नरसी मुंजी से फाइनेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में।
अमन, हमने पहले ये फिटनेस सेंटर्स में एक रिवॉर्ड और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया था और हमने देखा कि पेन पॉइंट वहाँ भी सेम था, लोग पैसे भरते और रेगुलर नहीं रहते। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो उनका अटेंडेंस 6 डेज अ मंथ से बढ़ के 12 डेज अ मंथ हो गया। लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक में सब फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए और रातों रात हमारा बिजनेस मॉडल ख़त्म हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना फिटनेस सेंटर्स के बदले हम लोगों को बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए रिवॉर्ड। सो फिर मैंने मोशन सेंसिंग की स्टडी करके एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग को ट्रैक करके हम उसको रिवॉर्ड दे सकें यूजर्स को। और जब ये प्रोटोटाइप हमने कोरियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम में प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें कोरिया के लिए इन्वाइट किया और 4 महीने हमने वहाँ पर रहकर ये पूरा ऐप डेवलप किया, इंडिया में मिड जनवरी 2021 में लॉन्च किया। ये तो आज की डेट में हर स्मार्ट वॉच में भी ट्रैक होता है, इसमें क्या प्रोप्राइटरी है? हमने स्मार्टफोन से ट्रैक किया इसके लिए बिकॉज हम चाहते थे कि लार्जर ऑडियंस को कैप्चर कर सकें, क्योंकि आप देखोगे हेल्थी हेल्थ बैंड सबके पास नहीं होता है। अगर मैं मेरे वो फ़ोन लेके कुत्ते के गले में बांध दूँ और रोज़ भगाऊँ उसको तो मेरे को नहीं मिल जाएंगे आपके सारे प्राइस? नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि हमारा ऐप एक और लेयर बनाई है जो वैलिडेशन करती है कि आप सच में वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप कस्टमर से कुछ पैसे ले रहे हो अपफ्रंट? सर ये एक हमारा होल एंड हुक स्ट्रैटेजी है, पहले उसको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं, तो जैसे ही उसको शॉर्ट टर्म फ्री मिलते हैं हम उसको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रमोट करते हैं जो 99 रुपीज़ अ मंथ है। तो अभी ऑलरेडी 15,000 पेड सब्सक्राइबर 100 रुपया महीना भर, तो 15 लाख रुपये मतलब महीने के 15 लाख। अभी हमने 17 लाख का रेवेन्यू किया। लेकिन शख्स हमारा बड़ा विजन अभी भी मैं बोलना चाहूँगा इंश्योरेंस है, ये एक कस्टमर एक्विजिशन टूल है। तो 17 लाख में आपका मंथली मार्जिन कितना है? 17 में से 3 मतलब 6 लाख रुपया मैंने रिवॉर्ड्स के लिए डाल दिया, तो उसके बाद जो मेरे पास बचा 11 लाख वो मेरा नेट रेवेन्यू है। और 11 लाख के बाद और क्या क्या खर्चे? एम्प्लॉई कॉस्ट है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। अभी हमने जैसे हमने बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स को से भी पार्टनर किया है, OTT प्लेटफॉर्म से भी पार्टनर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं। कितना स्पेंड है वो मंथली? हमारा नेट बर्न 15 लाख है इसमें। नेट बर्न 15 लाख रुपये महीना है। आपकी थोड़ी सी फंडिंग हिस्ट्री समझाइए और अभी आपकी कितनी इक्विटी बची है? तो अभी तो हमारे पास 65% इक्विटी है और 35% इन्वेस्टर्स के पास है। हमने 3 करोड़ का राउंड 2 महीने पहले किया 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे और आज आप आ गए यहाँ पे 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांगने। आप मेरे को एक सच सच बात बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ? सर हम फंडिंग के लिए आए हैं। तो आपके जैसा कोई बड़ा शार्क हमारे कैप टेबल पे आता है? आपको पता है शार्क टैंक है, आप यहाँ पे 1% दोगे 50 लाख रुपए के लिए आए हैं, कौन खड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे कोई। And that's the reason I'm out. I wish you the best. और सन्मति और हर्षित, this kind of a valuation with a 15 lakh per month cash burn, मैं comfortable नहीं हूँ। मेरी investment philosophy is more cash flow. So for that reason, I'm out. मुझे लगता है कि ये मैंने models देखे हैं कि आपका problem X है, solution Y है और revenue model Z है। तो आप ये triangular model में हैं जहाँ पे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उससे तो पैसे बनते नहीं हैं, उसमें तो आप पैसा दे रहे हैं लोगों को, और आप एक थर्ड पार्टी मॉडल के थ्रू इसमें पैसा बनाएंगे जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके किसी तरीके से ये जो आप फ्री चीज़ें दे रहे हैं इसका पैसा रिकवर करना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्री चीज़ें भी आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रहेगा। तो इसलिए मैं बाहर। मैं आपको समझाता हूँ आप कर क्या रहे हो। हमारे से बेटर समझाएंगे ये आपको तरीके, इनका समझाना थोड़ा सा सिंपल होता है ध्यान से। फोन जेब में लेके भागने वाले बहुत कम लोग हैं, वो पीयूष जैसे थोड़े और विनीता जैसे थोड़े से हेल्थ फैनेटिक है, हमको तो बैठ के गुलाब जामुन खाने हैं। अपनी बात करो आप। तेरे को बटर चिकन खाना है, चल। वॉकिंग तो यूनिवर्सल हमने देखा। मैं यार मार्केट देखो ना क्या है, अब ये सब भी ठीक है तो एक बिहेवियरल चेंज टू ड्राइव कर रहा है, बट एंड में सब कुछ करने के बाद बेचेगा क्या इंश्योरेंस? वो वैसे किसी को नहीं खरीदनी, वो तो वो एक आंटी आती है जो मम्मी की फ्रेंड होती है, वो बोलती है बेटे ये खरीद लो तो हम खरीद लेते हैं। पहले ऐसे ही होता था, LIC के एजेंट आज भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। तो घूम फिर के तुम लॉयल्टी का एक बना रहे हो जिसमें अर्न करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बर्न करके क्या मिलेगा? एक इंश्योरेंस।
ठीक है, तो ना मेरे को यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है और यहाँ तो मेरी वैसी मेहनत लग रही है, तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे। इसमें पता बिजनेस कैसे बनेगा, सपोज कर किसी ने 100 रुपए दिए, वो अगले महीने ड्रॉप ऑफ कर गया, तू जोमैटो और स्विगी को जाके बेच दे वो क्लाइंट, बोल भैया तो ये तो गोलगप्पे खा रहा है, ये भागने वाला नहीं है लड़का, आप इसको बेचो घर बैठ के जितना माल बेचता है, तो वहां धंधा बन सकता है, बट ये इंश्योरेंस बेच के धंधा नहीं बन सकता। तो चार शॉक आउट है, मेरे को लगता है कि आप में ना एनर्जी बहुत है, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है, बट आपका जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा जैसे वो कंफ्यूज पर होता ना, कंफ्यूज है थोड़ा, कंफ्यूज पर विकी डोनर में था ना, यू लॉस्ट मी एट इंश्योरेंस। हमको यूजर की हेल्थ हैबिट चेंज करनी है, और हमने ये देखा है जब आप उसको इतने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी देते हैं ना, वो शेकर पूरे मोहल्ले में लेके घूमता है कि मुझे ये मिला है, मुझे ये वॉच मिली है, मुझे ये चीज मिली है, सब यूजर प्रीमियम में सब्सक्राइब हो रहे हैं, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरे साल तक पैसे भरता है, क्योंकि अगर उसने 3 महीने बाद पैसे नहीं भरे तो उसके सब लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये एक हुक एंड होल स्ट्रेटेजी है, वो सब सही है, बट इसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों डाल दी बीच में? अगर ये इंश्योरेंस ना हो एंड में तो ये बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, राइट और रॉन्ग? नहीं, जैसे आपने देखा प्रीमियम यूजर्स 15,000 है, 8% कन्वर्जन है मंथली एक्टिव यूजर्स के, हम उस पर फोकस करेंगे, और आगे चल के आप ये देख सकते हैं कि कौन से यूजर्स को कौन से रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, फूड, फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इतना बड़ा मार्केट है अनुपम, सब ब्रांड्स हमारे। क्या बोला मुझे? अमन सर। नहीं, नाम कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, मैं एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ कि हमारी R&D टीम इसको टेक को वैलिडेट करेगी, और इसके यूजर्स जो आप कह रहे हो अटेंशन रेशियो इतना है, उसको डीप डाइव करके उसकी डिलीजेंस करेगी। परफेक्ट, आप ऑफर तो बता दो। 50 लाख फॉर 2%, क्या कहते हो? ठीक है, अमन आ रहा है तो। अमन, let's do it. All right. It's all right, man. Good stuff. Thank you. हम कब से बोर्ड से पार्टनर करने की कोशिश कर रहे थे, शायद शार्क टैंक की प्लेटफॉर्म। आप अभी उस पार हो गए, आपको नैया मिल गई भाई। नहीं, और अमन की स्टोरी बहुत सिमिलर है, मैंने भी CA किया है, मैंने भी MBA किया है, तो मैं बहुत फॉलो करता था। IIT, IIM बहुत हो गए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बारी है। थैंक यू अमन, थैंक यू, अब हेल्दी बनेगा।